रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत रतनपुर गांव में तालाब के पानी को लेकर ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया है और अब तालाब का पानी ग्रामवासियों के घरों में वापस जा रहा है। नाले व नालियां पानी से पूरी तरह से भरी हुई है और तालाब का पानी सड़कों पर भी आने लगा। ग्रामवासियों ने बताया कि कुछ दबंग लोगों ने तालाब पर कब्जा करने की नीयत से तालाब के किनारे मिट्टी का भराव बड़ी मात्रा में कर दिया है। पानी निकलने का रास्ता भी मिट्टी से बंद है, जिस कारण तालाब का गंदा पानी वापस ग्रामवासियों के घरों में जा रहा है। उन्होंने बताया कि तालाब गंदगी से अटा हुआ है, तालाब की साफ सफाई भी नहीं करवाई गई है, जिस कारण ग्रामवासियों पर भयंकर बीमारी महामारी संक्रमित कोरोना वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है। रुड़की से हमारे संवाददाता बुरहान राजपूत की रिपोर्ट। हमारा जो तालाब है वो पूरी तरह से अट गया है, घास कचरे से सड़कों पर गांव में पानी निकल आया है, घरों में पानी घुस रहा है, दिक्कत आ रही है, गंदगी फैल रही है, मच्छर लग रहा है। और मेरी गुजारिश है प्रशासन से, अधिकारी लोगों से, इस पे गौर दो और हमें एक नाले की समस्या है उसमें नाला निकालें। हमारे गांव में जो तालाब है वह पूरी तरह से आट दिया गया है, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर वह नालियों में भर गया है और घरों में वापस जा रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत भी कर चुका हूँ पर कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इसकी खुदाई भी की जाए और जितना इसका रकबा है उतना ही खुदवाया जाए, इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई।